जो यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी हमारा यही मकसद रहना चाहिए कि इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर इस नशस्त का मकसद आम करें। और जो कुछ हमने यहाँ पे जस्टिस साहब से सुना कि फरमुदात थे और यूसुफ साहब ने यहाँ पे अपने कलाम से हमें मुस्तफीद किया, मिलजुल कर इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैं आपके दरमियान उस मौजू पे बात करूं जिसने हमारी जड़ पकड़ी। और खुशी ज़्यादा इस बात की है कि आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त एक रोल है इसमें। और ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं सब सीएसएफ लोग, हर एक की अपनी खासियत, हर एक की अपनी पोजीशन है। आगा सईद साहब सदर बने हैं मुजमन शरी शिया के, तभी इस मुकाम पे पहुंचे जब इनके पीछे दीवार की तरह, चट्टान की तरह एक वो जिन्होंने इनको पैदा किया और एक वो जिन्होंने इनको पाला पोसा और एक वो जिन्होंने इनकी तरबियत की, एक वो जिन्होंने इल्म दिया दीनी हो या दुनियावी, सब की मिसाल ऐसी है। तो मैं खाली मर्दों से मिलती थी और मर्दों में भी जो एक यंग जनरेशन हमारी है और 60% पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से ये लोग अच्छे नहीं, इंसान नहीं अच्छे या इनकी तबीयत अच्छी नहीं हुई है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो इनके साथ गुफ्तगु रही है दो साल के दरमियान, कल लड़कों के साथ बात की है और मैंने कम से कम 30 औरतों के, मैं आपको मतलब ये एक चौंकाने वाली बात है कि उसमें से सबसे ज़्यादा जो औरतें हैं वो मर्दान से है। कल मैं एक हॉस्पिटल में थी जहाँ पे एक लड़की आई, वो 22 साल की लड़की थी और वो बड़गाम से थी और वो एक बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुँची और मैं वहाँ ओपीडी में काउंसलर्स के साथ बैठी हुई थी। तो उस लड़की को इमिजिएटली एडमिट किया गया और उसकी जो माँ थी जो उसके साथ थी उन्होंने कहा कि घर में कोई भी साथ आने को तैयार नहीं है, अब इसको सबने छोड़ दिया। तो वहाँ पे हम एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली बहुत सारी चीज़ें लैग कर रहे हैं। मैं आपके सामने दो ऐसी केस स्टडीज़ रखूँगी जो मैंने खुद देखी हुई है और जिनसे मैंने बात करी हुई है और जिनको मैं एक साल से फॉलो कर रही हूँ, फैमिली बैकग्राउंड और उसने हमारी एक जनरेशन के दिमाग पे बहुत बुरा असर, एंग्जाइटी में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे उस ट्रामा को, हमको ये नहीं लगता था कि ये लोग बीमार हैं, हमको ये लगता था इनको जिन आ गया है, इनको फीस साहब के पास ले जाना है। ठीक है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, अगर कोई किसी फील्ड में चीज में बिलीव करता है आप ले जाए, लेकिन आप साथ साथ में डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप साथ साथ में ये देखिए कि जड़ क्या है, वजह क्या है। तो पहली केस स्टडी जो मैं आपके सामने रखूंगी वो एक लड़की की है जो 26 साल की लड़की है, श्रीनगर से ताल्लुक रखती है और बचपन से बाप जो है वो अल्कोहल में इन्वॉल्व था। जब बाप अल्कोहल में इन्वॉल्व था तो वो माँ को बहुत पीटता था, मारता था और घर में बहुत वो तहलका मचा देता। सोसाइटी बर्बाद, करिए सारसी सोसाइटी खत्म। आज चु हदीसस मंज बयान आमत करने खैरुन्नास मन यनफो नास, बेहतरीन इंसान चु सु युस इंसानस फायदे वातना है। यदि बेमार सोसाइटी मंज कल कड़ ये बेमार पखवारा है सान सोसाइटी मंज कसम नजरे बेहतरीन इंसान
छुपाया शब्द अल मुस्लिम मन मुसलमान सु अथ सवि सन महफूज आदा शुमार बुझे अवाली तौर आयद गई पानवे खुशी शादी मकस सहती हाँ अकस हमदर्दी हवान तथे पे हक मुबतला गो सो तथे पकसोई यकजहती ये अनोन वापस ये बे पे असली हालत पे तो इन कावशन जरूरत इत प गाइडलाइन जस्टिस सोबन अस ब्रोह कमो अह कम तुम इन नतज त हाय शाहिद। हेलो असमत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते, देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।